यार ये भूतिया बंगले वाली फीलिंग आ रही है इसमें। देखो लाइट ना बार बार बंद हो रही है, चल रही है। गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी निकल रही हूँ हॉस्पिटल सफदरजंग, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना है। मामा की जो एंजियोग्राफी हुई थी ना, तो उसके लिए सीढ़ी देने जाना है, उसके रिकॉर्डिंग के लिए। कल भाई गया था, कल जन्माष्टमी थी, तो वहाँ पर सारा स्टाफ लीव पे था। मेरी खुद की छुट्टी थी, लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में ही नहीं आया उसको बोलना कि मत जा, आज जाना बेकार हो जाएगा। तो आज सैटरडे है, मेरा ऑफ है, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। वो बेकार में परेशान होगा, उसको वैसे भी ऑफिस जाना था। तो जा रही हूँ फिलहाल मैं सीढ़ी वहाँ पर देने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30, और मुझे पहुँचते पहुँचते 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। 6 बजे तक ही स्टाफ हॉस्पिटल में होता है, तो मुझे 6 बजे से पहले पहले हॉस्पिटल में पहुँचना है। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग AC लेने गए हैं क्रोमा से, तो हम लोग का AC जो है फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। और यार पता है, इस वीकेंड ना मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये देखिए, बाहर भी इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, और घर की हालत तो मैं आपको क्या ही बताऊं। आप लोग खुद देख लीजिए क्या हालत हो रखी है घर के इस टाइम। मतलब बाहर बालकनी में कपड़े पड़े हुए हैं, बेड पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, कुछ कपड़े अंदर सूख रहे हैं, कुछ कपड़े आयरन के लिए पड़े हुए हैं, तो कुछ कपड़े यहाँ मशीन में पड़े हुए हैं जो भी मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद वॉश करने हैं। तो चलिए गाइस, फिलहाल तो चलती हूँ हॉस्पिटल, और उसके आने के बाद ही करेंगे जो रूम की साफ सफाई है। इस काम के लिए मैं आई थी सफदरजंग हॉस्पिटल, मेरा काम हो गया। मतलब मुझे CD सबमिट करनी थी, तो मैंने CD दे दी है डिपार्टमेंट में, और उसको मिलने में लग जाएंगे 3-4 दिन। मतलब मंडे का बोला है, तो शायद ट्यूजडे तक देखो दे देंगे। और ये है सफदरजंग का SSB डिपार्टमेंट, और ये बादल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं ना। चल रही हूँ वापस घर के लिए, और चलिए पकड़ते हैं मेट्रो। टाइम हो गया 7:00, और आने के बाद मैंने सबसे पहले दिया लगाया और कन्नू को भोग लगाया, और साथ के साथ मैंने अपनी चाय बनने के लिए भी रख दी थी, क्योंकि हेडेक हो रहा था यार बहुत ज़्यादा। आज मॉर्निंग में ना बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी, और मुझे ना स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, तो उसके लिए मेरे को चाय को थोड़ा सा खोलाना पड़ता है। और अरे देखिए दाना कहाँ निकला है। और मुझे ना नाक को ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे हाथ करने की आदत है, तो अभी ना डर लग रहा है कि कहीं वो फूट ना जाए और उसमें ना बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो पहले तो मैं पीऊँगी चाय, और उसके बाद पहले सारा रूम समेटूंगी, और उसके बाद करूंगी शाम के खाने की तैयारी। और यार ये जो हॉस्पिटल के चक्कर काटने का काम है ना, पता नहीं कौन से दिन जाके खत्म होगा। 2 साल हो गए हम लोगों को हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते, कभी मम्मी के चक्कर में, कभी भाई के चक्कर में, तो मामा के चक्कर में। 1 साल से भाई ने चक्कर कटा रखे थे बड़े वाले ने हॉस्पिटल्स के, उसके पहले मम्मी ने कटा रखे थे, मम्मी तो अभी भी कटाती रहती है। पता नहीं यार, बस भगवान करे जल्दी से। मतलब ठीक है यार, छोटी मोटी बीमारी बुखार खांसी जुकाम चलता रहता है, बट यार ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना ना, भगवान किसी को ना लगवाए, तोबा। कभी घर भागो, कभी हॉस्पिटल भागो, मतलब सुकून नाम की तो चीज ही नहीं बची जिंदगी में। और यार मुझे नहीं पता कि इतनी भागदौड़ सबकी जिंदगी में होती है, या बस मेरी ही जिंदगी कुछ ज्यादा स्पेशल है जो इतनी भागदौड़ मेरी लाइफ में लिखी हुई है। बहुत ज्यादा भागदौड़ है यार, परेशान हो चुकी हूँ मैं भाग भाग के। अब ना कुछ टाइम के लिए ना चाहती हूँ बस थोड़ी सी ना स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में। मतलब लगता था थोड़ा एक्साइटेड सा भाग भाग के सारे काम करना, बट अब ना मतलब इरिटेशन हो रही है, थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। हो सकता है मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे अपनी लाइफ में इस तरीके से धक्के खाने से, बट यार मैं जो अपने आसपास में देखती हूँ ना, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, या अपने ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं, मतलब यार सबकी लाइफ मतलब इतनी भागम भाग वाली नहीं है। तो चलिए यार, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये सब तो बस ऊपर वाले के हाथ में है। बस ये प्रे कर सकती हूँ कि जल्दी से ना इस भागम भाग से और इस हॉस्पिटल के चक्करों से थोड़ी सी शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और मेरी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अभी भाग भाग गए क्योंकि रूम समेटना है और खाने की भी तैयारी करनी है, तो फिर से भागम भागे।